सो है गाइस, मैं हूँ अत्रेय एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माय मेकअप वाइब्स। और आज मैं आप लोगों के साथ इस वाली सिंपल समर मेकअप लुक शेयर करने वाली हूँ। आई होप गाइस आप लोगों को इस वाली समर लुक बहुत ही अच्छी लगेगी। तो चलो गाइस स्टार्ट करते हैं। एट फर्स्ट यूजिंग गुड वाइब्स के क्यूक्यूम्बर टोनर। मैं यहाँ पर टोनर को मेरे पूरे फेस पे अच्छे से स्प्रे करके उसको मेरे फिंगर की हेल्प से अप्लाई कर लूंगी। और उसके बाद मैं यहाँ पर लॉरियल पेरिस की क्रिस्टल माइक्रो एसेंस सीरम को मेरे पूरे फेस पे अच्छे से अप्लाई कर लूंगी। मैं यहाँ पर सुगर पॉप मैट फिनिश्ड सनस्क्रीन को अप्लाई कर रही हूँ। और गाइस समर के टाइम पे सनस्क्रीन की यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। ये एक बहुत ही अच्छी सनस्क्रीन है। गाइस सनस्क्रीन अच्छे से अप्लाई हो जाने के बाद मैं यहाँ पर लिप बम को अप्लाई कर लूँगी। और लिप बम के लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ वादी की स्ट्रॉबेरी लिप बम को। और गाइस मैं इस वाली मेकअप लुक पे कोई भी फाउंडेशन को यूज़ नहीं कर रही हूँ। सो मैं यहाँ पर लैक्मी सीसी क्रीम को मेरे ऑल ओवर फेस पे अच्छे से अप्लाई करके मेरे फिंगर की हेल्प से ही ब्लेंड कर लूँगी। अच्छे से अप्लाई हो जाने के बाद मैं यहाँ पर कंसीलर को अप्लाई कर लूँगी। और कंसीलर के लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी के कंसीलर को। और यहाँ पर मेरा जो शेड नंबर है वो है 06 क्लियर नियॉन। मैं कंसीलर को मेरे अंडर आइज पे, मेरे लिप्स के दोनों साइड पे और मेरे अपर हेड पे अच्छे से अप्लाई करके एक छोटे से ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से उसको ब्लेंड कर लूँगी। बाद मैं यहाँ पर मेबलिन की कॉम्पैक्ट पाउडर को यूज़ कर लूँगी। और यहाँ पर मेरे जो शेड नंबर है वो है 128 वार्म न्यू। और मैं यहाँ पर कॉम्पैक्ट पाउडर को मेरे फेस पे और मेरे नेक पे बहुत ही अच्छे से अप्लाई कर लूँगी। एनवाइबे के ऑरेंज कलर करेक्टर को मेरे लिप्स के साइड पे जहाँ पर ब्लैक स्पॉट हो गई है उसके ऊपर अच्छे से मेरे फिंगर के हेल्प से अप्लाई करके उसी वाले छोटी सी ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड कर लूँगी। और अब मैं मेरे आईब्रोज को क्रिएट कर लूँगी। और आईब्रोज को क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ पर ग्लैम 21 की आईब्रोज पैलेट को यूज़ कर रही हूँ। और इसी वाले पैलेट से ये ब्राउन और ये ब्लैक कलर के शेड को मिक्स करके उससे मेरी आईब्रोज को क्रिएट कर लूँगी। गाइज नाउ आई स्टार्ट माई आई मेकअप। और आई मेकअप के लिए मैं यहाँ पर जो पैलेट को यूज़ कर रही हूँ
वो है एसएफआर की न्यू आर्टिस्टिक पैलेट, और जो ब्रश को यूज़ कर रही हूँ वो है स्किन प्लस की ब्लेंडिंग ब्रश। और गाइस इसी वाली आई शेडो पैलेट से मैं इस वाली ब्राउन शेड को मेरी क्रीज एरिया पे और मेरी लीड एरिया पे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। एक आइस पे आई शेडो अच्छे से ब्लेंड हो जाने के बाद मैं दूसरी आइस पे भी आई शेडो को सर्कुलर मोशन में अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। वाली येलो शेड को मेरी लीड एरिया के नीचे वाली पोर्शन में अच्छे से अप्लाई करके ब्लेंड कर लूंगी। यहाँ पर एक ब्लू कलर की आई पेंसिल को यूज़ कर रही हूँ, और इस वाली पेंसिल को मैं मेरी वाटर लाइन पे कजल की तरह अप्लाई कर लूँगी। और गाइस उसी आई पेंसिल को मैं आईलाइनर की तरह दोनों आईज पे अच्छे से अप्लाई कर लूँगी, और उसके बाद एक फ्लैट ब्लेंडिंग ब्रश से उसको स्मच आउट कर लूँगी। गाइस उसके बाद मैं यहाँ पर मस्कारा को अप्लाई करूँगी, और मस्कारा के लिए मैं यहाँ पर मेबलिन की हाइपर कर्ल मस्कारा को अप्लाई कर रही हूँ। अब मैं यहाँ पर स्टेक वर्क की पीच लेडी 3 ब्लश को अप्लाई करूंगी, और गाइस ब्रश के लिए मैं यहाँ पर हुडा ब्यूटी की पाउडर ब्रश को यूज कर रही हूँ। मैं ब्लश को मेरे चीक्स पे मेरे नोज पे अच्छे से अप्लाई कर लूंगी, देन उसके बाद मैं यहाँ पर हाइलाइटर को अप्लाई कर लूंगी। हाइलाइटर के लिए मैं यहाँ पर 5 कलर्स की हाइलाइटर को यूज कर रही हूँ, और ब्रश के लिए मैं यहाँ पर स्किन प्लस की स्मॉल फैन ब्रश को यूज कर रही हूँ। गाइस मैं मेरे नोज को और मेरे चीक बोन्स को हाईलाइट कर लूंगी। देन मैं इन कलर की हाइलाइटर पैलेट से एक शैम्पिंग शेड को पिक करके उससे मेरे इनर कॉर्नर को हाईलाइट कर लूंगी। यहाँ पर स्विस ब्यूटी की लिप लाइनर को अप्लाई कर रही हूँ, और इस वाली लिप लाइनर से मैं मेरी लिप लाइन को बहुत ही अच्छे से ड्रॉ कर लूँगी। और गाइस उसके बाद मैं यहाँ पर लिपस्टिक को अप्लाई करूँगी, और लिपस्टिक के लिए मैं यहाँ पर मेबलिन की लिपस्टिक को अप्लाई कर रही हूँ, और यहाँ पर मेरे शेड नंबर है 065 डिवाइन वाइन। एट लास्ट मैं यहाँ पर
स्विस ब्यूटी की मेकअप सेटिंग स्प्रे से मेरे मेकअप को सेट कर लूँगी। एंड गाइज, दिस इज माई फाइनल लुक एंड आई होप गाइज आप लोग ने मेरे इस वाले मेकअप लुक को एंजॉय किया है। होप आप लोगों को मेरी इस वाली मेकअप लुक अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, मुझे बहुत सारा प्यार देना ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियो कंटेंट ला सकूं। और गाइस, मैं मेरा जो इंस्टाग्राम और फेसबुक लिंक है उसको यहाँ पे स्क्रीन पर मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो प्लीज आप लोग चेकआउट कर देना। थैंक यू गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर।